पुलिस वालों के ऊपर में गुंडागर्दी है लोगों की। देखिए मेरे भाई को मानने के वास्ते इतनी पब्लिक आई हुई है, मैम के लीडर्स कोई पुलिस पुलिस सपोर्ट कर रही है, मगर पब्लिक इतनी ठहरी हुई है, पूरी पब्लिक इतनी ठहरी हुई है। देखिए आप लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इमरान, जो सोशल मीडिया पे मैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए सवाल करता हूँ था MIM से, तो कुछ MIM के गुंडे मेरे घर पर आके हुजूम करते हो। MIM का एक गुंडा जो सोशल मीडिया एडमिन है अकबरुद्दीन अवैसी का इरफान, और MIM के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और मुक्तदर बाबा और तकरीबन MIM के कारकुन पूरे घर पे हज़ारों का मजमा आ जाता है हमारे गली घर पर, और आके लाता यो मारते दरवाजे को। हमारे घर के लेडीज़ भी है तो रेस्पेक्ट नहीं करते, तो हमारे लेडीज़ हिम्मत दिखाकर उन लोगों को रोकने में कामयाब रहे हैं। बस हम अपने घर में हैं, हमारे घर के पूरे घर के अतराफ पूरे गुंडे और पुलिस घेरी हुई है, पुलिस कॉरपोरेट कर रही है, लेकिन वो गुंडों को यहाँ पे भगा रही नहीं। क्या हमारा सवाल करना कुछ गलत है? क्या हमारा सवाल करने का हक नहीं? क्या हम कुछ गलत करे थे? ये सब हैदराबाद की आवाम को जागने के लिए जागने की ज़रूरत है। जो सवाल इनसे हक पे करता है उनके घर पे हज़ारों का मजमा भेज देते हैं अटैक करने के लिए। अगर आप लोग हक़ के लिए मुझसे मोहब्बत रखते हैं तो आप लोग भी आगे आइए। ये मेरी फैमिली है, मैं फैमिली को क्या मेरे को आज तक मैं फेस पे नहीं ला, आज इनकी हरकत पे मैं आज फेस पे आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि मेरा बच्चे क्या बोला क्या है मेरे को मालूम नहीं, और वो पूरी पब्लिक बाहर खड़ी हुई है, MIM के पूरे लीडर्स पूरे बाहर खड़े हुए हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं बच्चे के ऐसे पूरे बाहर हज़ारों की तादाद में लोग हैं, पुलिस को भी कोऑपरेट कर रही पुलिस, मगर वो लोग जा रहे नहीं यहाँ से, और गाली गलौज कर रहे हैं, अम्मा बहन की गाली दे रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारे घर में पूरा दरवाज़ा तोड़ दे रहे हैं, हमारा बहुत परेशान है हम लोग, बच्चे को मारने के लिए पूरी पब्लिक बाहर खड़ी हुई है, उनके लोग घरों में तो छुपे हुए हैं, पुलिस कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस कोऑपरेट कर रही है, पर ये उसमें काउंसलर हुसैनी पाशा और तकरीबन जाननुमा कॉरपोरेटर तकरीबन कॉरपोरेटर सब है इसमें, सोशल मीडिया एडमिन इरफान भी है इसमें, उन्हें ही आया था, उन्हें ही आके लाता मारा घर को, लाता मारा इरफान तो बहुत गालियां दे। अगर आप लोग मेरे लिए इंसाफ चाहते तो आप लोग ये आवाज़ उठाइए, और हैदराबाद की आवाम से बोलूँगा इनसे डरने की जरूरत नहीं है, जागिए आप लोग। मैं मौत से डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं हक के लिए बात करा, कुछ गलत नहीं करा। जब कुछ गलत नहीं है तो फिर लोग क्यों ठहरे हुए यहाँ पर, पूरी पब्लिक खड़ी हुई पूरी गली में, पूरे लोग खड़े हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं मेरे घर का हाल, लोग बहुत बुरा कर रहे हैं, आप लोग इंसाफ दिलाइए, मेरे ऊपर झूठे केसेस बुक कराने की तैयारी चल रही है, टास्क फोर्स को भेजिए लोग। भाई ये मेरे घर का फोन है, पुलिस वाले आ गए मेरे घर पे। अचानक आ गया तो आ गया, मैं जो गली में पड़ता हूँ वो गली से थोड़ी दूर पहले उतर के फोन पे बात कर लेते आ रहा, उसके पीछे हमारा अम्मा क्या कर रहा, कोई भी दोस्त आ गया तो दूसरे हमारे दोस्त कोई भी भैया तो पीछे एक बार राउंड मारो बोलता हूँ गली में, तो राउंड मारे थे वहाँ पर रक्षक भी है, फिर इसके पीछे पुलिस वाले आ रहे क्राइम के, हाँ तो मैं इससे गले मिलके निकल रहा, अब भी आ रहा हूँ घर का, मेरे को काम है, तुम अचानक आ गए ऐसा बोल के निकल गया। अच्छा। निकल गया तो हमारा एक भाई और हमारे दोस्त के साथ ही ने था, तो मैंने बोला मस्जिद तक जाके आएगा, तो मस्जिद का आएगा तो वहाँ तक भी पुलिस वाले पीछे आएगा थे भाई, अभी भी साला हमारे चेरिए में फोन करा, अरे भाई आओ ना तुम्हारे इंतजार में, वाला चले जाओ बोला, तुम बोले ना पुलिस को कहीं को लेके आया पूछ रहा तुम, मैं अमजदुल्ला खान बात कर रहा हूँ सर, बेटी नमस्ते सर, नहीं ये कोई इमरान बोल के बच्चे के घर पे कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ MIM वाले हैं, पुलिस वाले भी है बोल के, उनकी वालदा रोते हुए फोन करे मेरे को, क्या इश्यू है सर?
अभी वेरीफाई कर रहा था, नाइट ऑफिसर भेजा माय पुलिस स्टेशन, मेरा नाम सुदर्शन है इंस्पेक्टर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी इमरान ने फोन किया थे और फोन में बात हुई थी कि इनका ने फोन का दोस्त है, बोल रहे हैं 3 घंटे से मेरे घर पे लेके आए, मुझे धार मार रहे हैं, मार रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने बाकी वाले भी कर दिया, फिर बाद में इमरान ने स्क्रिप्ट डाले के घर पे पुलिस आ रही है। तो इमरान की अरेस्टिंग नहीं है, हैदराबाद का इमरान है जो फोन करता बच्चा, इसकी पुलिस वाले अभी इसकी अरेस्टिंग करेंगे। हेलो सर, नमस्ते सर, सुदर्शन मैं अमजदुल्ला खान बात कर रहा हूँ साहब, MBT। नमस्ते सर। नमस्ते साहब, नहीं ये कोई इमरान बोल के बच्चे के घर पे कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ MIM वाले है, पुलिस वाले भी है बोल के उनकी वालदा रोते हुए फोन करे मेरे को, क्या इश्यू है सर? अभी वेरीफाई कर रहा हूँ सर, नाइट ऑफिसर भेजा माय पुलिस स्टेशन, मेरा नाम सुदर्शन है, इंस्पेक्टर बात कर रही हूँ। जी साहब, वो भिजा दिया है, अब उसका नाम नाइट ऑफिसर गया है इंस्पेक्टर। उन्हें उनकी वालदा बोल रही, 3 घंटे से मेरे घर पे गेट पे लाता मार रही, बंडे मार रही, बाहर पुलिस वाले भी है, बोल रहा हूँ जी जी, वेरीफाई करके हम बोलते हूँ सर। देखिए इमीडिएट देखिए, आई विल कॉल अगेन आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर हजार से ज्यादा वैरायटीज के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और ₹100 डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन ना आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की, अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर Amazon, Flipkart और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।